Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को क्वेश्चन आते होंगे कि हम लोग अपना पीवीपी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वाली वीडियो में वही बताऊंगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर उसके बाद टच में आके आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्वैप जंप एंड स्नीक बटन, तो इसे आपको ऑन कर देना है जिसकी मदद से आप लोग भागने के साथ साथ स्प्रिंट कर पाएंगे। और यहाँ पे बटन साइज होगा जिसे आपको फुल कर लेना है, 100 पे सेट कर लेना है, जिसकी मदद से आप इजीली अपने फ़ोन में क्लिक कर पाएंगे और मूवमेंट कर पाएंगे। तो आगे आपको वो वीडियोस में आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको FOV मिलेगा। ये पीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको 60 से 70 के बीच में सेट कर लेना है। मैंने इसे 68 पे सेट कर लिया है। और यहाँ पे एक आउटलाइन सेलेक्टर होगा, इसे आपको ऑन कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पे UI प्रोफाइल होगा जिसे आपको पॉकेट से ना क्लासिक पे सेट कर लेना है, जिससे आपको चीज़ें बदलने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे चक्स आपको फिक्स कर लेने हैं जिससे आपका पीवी के दौरान लैग ना हो। और यहाँ पे GUI स्केलर मॉडिफायर होगा, इसे आपको -1 पे सेट कर देना है, इससे आपको बहुत अच्छा गेम प्ले खेलने को मिलेगा। और फिर आपको वापस टच में आ जाना है और यहाँ पे स्पिल्ड कंट्रोल्स होंगे, इन्हें ऑफ कर देना है। और यहाँ पे ऑटो जंप का ऑप्शन होगा, इसे ऑन कर लेना है क्योंकि ये कुछ टाइम में अपने आप ऑटो जंप होता रहेगा जब जब कुछ ब्लॉक सामने आ जाएंगे। और आपको सेंसिटिविटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पीवी के लिए, तो इसे आपको 40 से 50 के बीच में सेट कर लेना है। तो मैंने इसे 45 पे सेट कर लिया है। तो अब मैं आपको पीवीपी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टच करना है, ये यहाँ पे रेड रेड जहाँ पे, यहाँ पे अगर आप डबल स्प्रिंट करके करेंगे तो आप भाग भी पाएंगे और चल भी पाएंगे। तो इसकी मदद से आपको भागने में आपकी स्पीड तो बढ़ेगी और आपको पीवी के दौरान भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आर्मर पहनकर आपको पीवी करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि स्लाइम आई है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिट्स मारने की ट्राई करनी है जिससे जो डैमेज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्पैम करते हैं तो उससे उतनी हेल्थ नहीं जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिट्स मारने की ट्राई करनी है। और पीवी के दौरान वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर आप हर टाइम पर मूवमेंट करते रहेंगे तो प्लेयर के लिए हार्ड हो जाएगा आपको हिट करना, जिससे आपकी हेल्थ कम आ जाएगी। अब देखिए, मैंने पिगलिंस को अपने पीछे लगा लिया है और अब मैं पीछे मूवमेंट करता जा रहा हूँ जिसकी वजह से ये मुझे टच नहीं कर पा रहे हैं। और टच स्क्रीन की मदद से मेरा ये फ़ायदा हो रहा है कि जिधर से जॉम्बी आता है मैं उधर अपना थंब टच करके उधर उसे मार देता हूँ। तो स्पिल्ड कंट्रोल से बेटर ये कंट्रोल्स होते हैं। मुझे पता है आप में से कई लोगों को पुराने कंट्रोल्स में खेलने की आदत है, इसलिए मैंने पुराने कंट्रोल्स में ये वीडियो बनाई है। आप देखिए कि मैं कितनी आसानी से जॉम्बीज को मारता जा रहा हूँ। ऐसे ही आपको पीवी के दौरान तो मूवमेंट लेफ्ट टू राइट करनी है। अब मैं आपको एक्स दिखाता हूँ, एक्स की मदद से आप एक क्रिट मारेंगे तो मर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्स के साथ क्रिट्स मारें या सीट को डिसेबल करने में एक्स बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप सील से क्रिट मार के फिर पूरी फाइट स्वॉट से कीजिए और बीच में अगर थोड़ा गैप में तो एक्स निकाल के उसे एक क्रिट मारिए, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है। अगर आपने स्वाइप लगा ली है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, एक क्रिट में 1 shot एवरी मर जाएगा। तो ये ट्रिक थी। तो अब मैं आपको पीवीपी करके दिखाता हूँ। तो पीवीपी में ये बंदा आ चुका है, मैं से क्रिट्स मारूंगा और मूवमेंट करता रहूँगा जिसकी वजह से मुझे मार नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं मैं पीछे आ गया और फिर मैं क्रिट के लिए आया हूँ और मैंने इसे क्रिट मारा है। मेरा अब तक 1 heart गया है और उसकी हेल्थ 5 हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 hearts गए हैं, उसकी हेल्थ 5 हो चुकी है, यानी 3 point कुछ hearts होंगे उस पर। तो क्रिट्स मारने का ये फ़ायदा होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिट्स का ट्राई कीजिएगा, पर अगर कोई सामने वाला स्पैम कर रहा है तो आप थोड़ा सा स्पैम करके उसके पीछे धक्का दीजिएगा और फिर ये कीजिएगा। जैसे कि ये बंदा है, ये अभी मुझ पर स्पैम करेगा, देखिएगा ये मुझ पर स्पैम कर रहा है। मैं इस पर फिर भी क्रिट्स मारने की ट्राई कर रहा हूँ, पर अब मैंने इस पर स्पैम किया तो स्पैम से मैंने इसे थोड़ा पीछे किया और फिर क्रिट मारा, फिर स्पैम से थोड़ा पीछे किया इसे और फिर क्रिट बजाया। ऐसे आपको क्रिट्स मारते रहें, देखिए अब तक मेरी एक भी हेल्थ नहीं गई है पर उसकी हेल्थ 9 हो चुकी है। ऐसे आपको क्रिट्स मारते रहने हैं और बीच बीच में अगर आपको भागना पड़े तो आप डबल स्प्रिंट करके वो जंप की साइड क्लिक करके आप ऐसे भाग के आ सकते हैं। और आपको अपने कैमरा एंगल का बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी भागें कैमरा एंगल आपका नीचे ना हो, और जब भी कोई बंदा कुछ खा रहा हो तो आपको उस टाइम पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप पे बहुत ज़्यादा अटैक हो गया, आप मरने वाले हो, तो आप ऐसे जैसे मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ आप ऐसे ब्लॉकिंग कर सकते हो और मरने से बच सकते हो। फिर आपको ऐसे ब्लॉक करके भाग के खाना खा लीजिएगा और फिर आपको अपना बेस्ट देना है, आपको टच करना है उधर और टच करते रहिएगा और ऐसे डबल स्प्रिंट करते रहिएगा।
तो ये वीडियो थी आज की, मुझे मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और मैं इसका सेकंड पार्ट ही बनाऊंगा अगर इस वीडियो पर 20 लाइक्स आते हैं।